हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं 56 कद्दू या 56 टिंडे की मसालेदार सब्जी, जिसके लिए हमने लिए हैं 1 केजी 56 टिंडे और ग्रेवी के लिए 4 मीडियम साइज़ टमाटर, 4 मीडियम साइज़ प्याज, लहसुन अदरक और 2 हरी मिर्च। और अब हम टमाटर और प्याज की ग्रेवी बनाएंगे। 56 टिंडे को हमने 4 पीस में काट लिया है और अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई के लिए हमने सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल से सब्जी स्वादिष्ट बनती है। तेल हमारा गर्म हो गया है और अब हम इन टिंडों को फ्राई करेंगे। टिंडे हमारे लगभग फ्राई हो चुके हैं और अब हम इनको बाहर निकालेंगे। फ्राई टिंडों को हमने निकाल लिया है और हमारा तेल कुकर में बच गया है, तो इसी तेल में हम मसाले भूनेंगे। इसके लिए हमने गरम मसालों में लिया है जीरा, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च, लौंग और तेज़पत्ता। अब हम इनको तेल में डालेंगे। खड़े मसालों को पकने के बाद में अब हमने डाल दिया है कुटी हुई लहसुन अदरक। अब इनको पकने के बाद में डालेंगे प्याज की पेस्ट। और अब इसको धीरे धीरे पकाएंगे। प्याज वाली ग्रेवी हमारी पक गई है और अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले, जिनमें है देसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और कश्मीरी रेड मिर्च। और अब हम इनको धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट पकाएंगे। मसाले हमारे पक गए हैं और अब हम इसके अंदर डालेंगे टोमेटो प्यूरी। जो हमने 4 मीडियम साइज़ टमाटर लिए थे उनकी ग्रेवी तैयार कर ली है। अब हम इनको पकाएंगे अच्छे से। ग्रेवी हमारी पक गई है, इसके अंदर डालेंगे हमारे फ्राई किए हुए टिंडे। अब हम 5 मिनट के लिए इनको पकने देंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला।
हरा धनिया, फाइनली 56 कद्दू या 56 टिंडे की मसालेदार सब्जी बनकर तैयार हो गई है। दिखने में इतनी खूबसूरत और मज़ेदार लग रही है कि जवाब ही नहीं है। इस मसालेदार सब्जी के साथ हमने घर पर बनाए हैं मैदे की रोटी और इसके साथ ही तंदूर वाली रोटी जो हमने घर पर ही तवे पर बनाई है, जिस पर हरे धनिया लगाकर और तवे पे तंदूरी स्टाइल में तंदूरी रोटी बनाई है जो मैदे की है।